हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके नीट एग्ज़ाम में पहले से पूछे गए। इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक होंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे जैसे दिख रहा है प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट हार्मोन, तो इसके क्वेश्चन को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे के टॉपिक को बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक, प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट हार्मोन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज़ यूज्ड इन प्लांट टू। मतलब कि ये जो गैसियस प्लांट जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं एक रेगुलेटर के थ्रू, तो उसके इंटरनली क्या यूज़ किया जाता है, मतलब कि वो क्या शो करते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रमोट करते हैं रूट के ग्रोथ को, ठीक है, क्योंकि रूट वहाँ पे फिर आउट ग्रोथ हो पाता है। एंड फिर क्या होता है कि रूट हेयर फॉर्मेट, वहाँ पे रूट हेयर आने लगते हैं एंड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस, और सरफेस वहाँ पे इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, सो दिस इज़ द राइट आंसर्स। बाकी जो ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हैं, हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, तो ये पहले ही हो जाता है, उसके जस्ट बाद वाली प्रोसेस को यहाँ नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस गलत होगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू नॉट शो प्लास्टिसिटी। मतलब कि इनमें से कौन सा प्लांट ऐसा है जो कि प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे कि कोरिएंडर हो गया, बटरकप हो गया, कॉटन हो गया, फिर लार्केस्पुर हो गया, जो कि मैंने खुद से लिखा है। तो कोरिएंडर जो होता है वो प्लास्टिसिटी शो करता है। ठीक है, यहाँ पे बटरकप और कॉटन ये सब भी करते हैं, लेकिन मेज जो है ये प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देखा गया, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर। ठीक है, एंड एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हारमोन्स हैज़ रिजल्टेंट इन द इंक्रीज इल्ड एज द हारमोन्स इज नोन एज प्रोड्यूसर्स फीमेल फ्लावर्स इन द प्लांट्स। ठीक है, तो ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कुकुम्बर के प्रोडक्शन के लिए मैनीफोल्ड जो होते हैं वो रिसेंट ईयर में कौन से इंक्रीज़ हुए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इथिलीन। इथिलीन नाम का जो हार्मोन होता है वो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो दिस इज़ द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड इन द फोल्ड ऑफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 2,4-D एथिलीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2,4-D जो है एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि प्लांट का हार्मोन होता है, और यही वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए वर्क करता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट फ्लो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। तो उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, उस एबिलिटी को ना यहाँ पे प्लास्टिसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी इज द राइट आंसर। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इनहिबिटरी सब्सटेंस इन डोमिनेंट वीड कैन नॉट बी रिमूव बाई द सब्जेक्टिंग सीड टू। तो इसका राइट आंसर्स एस्कार्बिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये नीट 2020 में पूछा गया था। अगेन फिर नेक्स्ट मैचिंग यहाँ पे है, मैचिंग में क्या पूछा गया है, मैच दी कंसर्निंग टू एक्टिविटीज एंड फंक्शन ऑफ द फाइटो हार्मोन इन्वॉल्व। ठीक है, मतलब कि इसके इंटरनली फाइटो हार्मोन इन्वॉल्व होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है फ्रूट राइपनर, उसके बाद फिर है हर्बिसाइड एंड फिर बॉल्टिंग एजेंट और स्ट्रेस हार्मोन। तो सबसे पहले हमें पता है कि स्ट्रेस हार्मोन किसको कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है। ठीक है, तो डी का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम डी में देखेंगे, डी का राइट आंसर यहाँ एक है, बाकी सब में भी है ऑप्शन। फिर नेक्स्ट को चेक करेंगे, बॉल्टिंग स्ट्रेस एजेंट किसको बोलते हैं, बॉल्टिंग एजेंट जो है वो GA3 को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मतलब कि सी का राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर हर्बिसाइड 2,4-D अभी जस्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। फिर फ्रूट राइपनर जो होता है वो एक प्रकार का इथेफोन कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन जो होगा वो 4,3,2,1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4,3,2,1 को चूज़ करेंगे, दिस इज़ द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिस विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑर्नामेंशंस बट हैज़ द बिकम ऑफ ट्रबल सम वीड इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के वीड को बताना है, तो इसमें राइट आंसर्स हो जाएगा इकोर्निया क्रैपिस, ये इसका इंडिया का वीड होता है। ठीक है, तो दिस इज़ द राइट आंसर्स। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डॉर्मेंसी। ठीक है, मतलब कि इनमें से कौन सा इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है किसके थ्रू, तो सीड डॉर्मेंसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर जिब्रेलिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का हार्मोन होता है। बाकी सबके सब एक क्या है, बाकी सबके सब जो हैं वो इनहिबिटरी सब्सटेंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनहिबिटरी सब्सटेंस कौन नहीं है, जिब्रेलिक एसिड, क्योंकि ये एक प्रकार का हार्मोन होता है। ठीक है,
अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, मतलब कि ग्रोथ के मैक्सिमम प्रोसेस को आपको बताना है, तो लॉग फेज में ही जो होता है मैक्सिमम ग्रोथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉग फेज हो जाएगा। और बाकी लैग फेज, सेनेसेंट फेज और डोमेंसी में मतलब कि ग्रोथ होते हैं लेकिन थोड़ा कम होता है, बट एज़ कम्पेयर टू द ऑल जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग लॉग फेज इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द प्लांट ग्रोथ, मतलब कि प्लांट ग्रोथ का नाम बताना है रेगुलरिटी, एंड विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन द शुगर केन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड दस इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ शुगर केन क्रॉप। तो ये नीट 2020 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर जिब्रेलिन हो जाएगा, क्योंकि जिब्रेलिन ही ज़्यादातर वर्क करता है प्लांट के ग्रोथ रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ सूट टिप इज़ वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ टी लीव्स एंड दिस इज़ बिकॉज, क्यों होता है ये चीज़ें, मतलब कि यहाँ पे जो शॉर्ट टिप है उसको हम रिमूव कर देते हैं और फिर ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टेक्निक बन जाता है, तो ये किसके प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जैसे कि लिखा हुआ है जिब्रेलिन्स प्रिवेंट द बोल्टिंग एंड इनएक्टिवेटेड, तो ये गलत है, यहाँ पे बोल्टिंग और इनएक्टिवेटेड तो ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन प्रिवेंट लीव, ऑक्सीजन जो होते हैं वो लीव को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, बट ड्रॉप द अर्लियर स्टेज में नहीं, तो ये राइट आंसर्स नहीं है। अगेन फिर नेक्स्ट ऑप्शंस है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इज रिमूव एंड ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड इज इनहांस, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द ऑर्डर टू इंक्रीज, मतलब कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन क्रॉप एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रो रेगुलेटर शुड बी द स्प्रे, मतलब कि उस प्लांट ग्रोथ पे स्प्रे किया जाता है, तो जिब्रेलिन्स का स्प्रे किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट टेक वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ पाइनएपल्स प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर एंड विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन कैन बी अप्लाइड टू द आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड फ्लावरिंग एंड पाइनएपल प्लांट थ्रू द ईयर ऑफ द इंक्रीजेस, ठीक है। अब यहाँ पे पाइनएपल के बारे में पूछा गया कि ये किस चीज़ से प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो यहाँ पे ना ऑक्सीजन और इथिलीन नाम का हार्मोन वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिब्रेलिन जो होता है, जिब्रेलिन के बारे में आपने पढ़ा है कि वो शुगर केन में काम आता है, ठीक है, बट यहाँ पे जिब्रेलिन ये भी ऑप्शंस गलत हो गया। फिर एब्सिसिक एसिड एक प्रकार का हार्मोन होता है, बट वो भी किस चीज़ में आता है, जिब्रेलिन के थ्रू ही आता है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन और इथिलीन जो होता है वो पाइनएपल प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है, उसको लॉन्ग करने में। सो दिस इज़ द राइट आंसर्स। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्लियर स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाई द एप्लीकेशन ऑफ, तो यहाँ पे फ्रूट और लीफ जो होता है वो ड्रॉप होता है एक अर्लियर स्टेज में, किसके प्रिवेंट के लिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रिवेंट, ऑक्सीजन को बचाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ द राइट आंसर, ये नीट 2017 में पूछा गया था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवेना कल्वेचर इज़ यूज टू द बायो एसे, मतलब कि एवेना कल्वेचर जो होता है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, किस बायो एसे में, तो IAA के रूप में, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यू आर द गिवन टिशू विद द पोटेंशियल फॉर द डिफ्रेंसिएशन इन अ, मतलब कि आर्टिकुलर कल्चर। अब इसके इंटरनली क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर हार्मोन वुड द एडेड मीडियम ऑफ द सिक्योर सूट वेल इन द रूट, ठीक है, मतलब कि हार्मोन का नेम बताना है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा बात है कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन आएंगे और फिर साइटोकाइनिन आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन ही ज़्यादा हेल्प करता है आर्टिफिशियल कल्चर को मीडियम बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर्स भी हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन कैन बी बायो ऐसे भाई, तो ऑक्सीजन के इंटरनली अभी हमने जस्ट जो एवेना कल्वेचर पढ़ा था वही आंसर सही होगा, मतलब कि यहाँ पे राइट आंसर्स एवेना कोपेलन कल्वेचर, ठीक है, मतलब कि उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये कुछ क्वेश्चन उसी टॉपिक के हैं, जैसे ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर फूड इज मोबिलाइज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जिब्रेलिन हो जाएगा, जो कि नीट 2013 में पूछा गया था, मतलब कि सिंपल सा क्वेश्चन। अगेन फिर फोटो ट्रॉपिक कर्वेचर इज़ द रिजल्ट एंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोटोट्रॉपिंग कल्वेचर की जब भी बात की जाएगी तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन नाम का हार्मोन याद रखना है, जहाँ पे ऑक्सीजन आ गया अवेना, ठीक है, अवेना कल्वेचर, तो दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कि क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से सेट कर सकता है या फिर ऑप्शन को क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है।
अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाइलिंग ऑफ द गार्डन पी प्लांट टेंड्रिल्स अराउंड द सपोर्ट ऑफ एन एग्जांपल ऑफ, तो दिस इज द राइट आंसर्स। ठीक है, यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिज्म इसका राइट आंसर्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन लगभग 2010 में, उसके बाद फिर 1995 और 1991 में पूछा गया था। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन बताना है आपको, तो यहाँ पे एन डबल ए हो जाएगा, क्योंकि आई डबल ए जो था वो एक अवेना कल्वेचर था, और अवेना कल्वेचर जो होता है वो ऑक्सीजन के थ्रू ही आता है, लेकिन हमें सिंथेटिक पूछा गया है। ठीक है, तो सिंथेटिक यहाँ पे ए एन डबल ए हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज द ड्राइवेशन ऑफ द कैरेटिनॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड इज द राइट आंसर। एब्सिसिक एसिड को ही हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओपनिंग ऑफ द फ्लोरल बर्ड इन टू फ्लावर इज अ टाइप ऑफ, तो इसका राइट आंसर ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फुलिस सेडलिंग, फुलिस सेडलिंग से आपको क्या याद रखना है, जिब्रेलिक एसिड याद रखना है। ठीक है, क्योंकि फुलिस सेडलिंग जो होता है ये एक प्रकार का डिसीज होता है जो कि राइस के अंदर होता है, और वहाँ पे उसी का डिस्कवरी जिब्रेलिक एसिड नाम के हार्मोन से हुआ था। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली, मतलब इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली नहीं किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि एब्सिसिक एसिड एक प्रकार का स्टोमेटल क्लोजर्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या है, जिब्रेलिक एसिड एक प्रकार का लीफ फॉल होता है, नहीं, जिब्रेलिक एसिड एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि फॉलिस सेडलिंग डिसीज में वर्क करता है। ठीक है, उसके डिस्कवरी के लिए, तो ये गलत दिया हुआ है। अगेन साइटोकाइनिन सेल डिवीजन बिल्कुल सही है, और आई डबल ए सेल इलांगेशन, या फिर इसी को हम लोग ऑक्सीजन के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंजाइम दैट कैन स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड, तो इसका राइट आंसर अल्फा एमाइलेज हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मोइस्टिक कंडीशंस एंड ब्रेकडाउन ऑफ डोरमेंसी कॉल, तो ये जो है ये एनसीईआरटी के लाइन है, इसको स्टार्टिफिकेशन के नेम से जाना जाता है। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जिब्रेलिन्स पे है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, सेल इलांगेशन इन इंटरनोडल रीजन्स एंड ग्रीन प्लांट टेक प्लेस ड्यू टू द जिब्रेलिन्स, तो जिब्रेलिन्स के कारण ही यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन प्लांट आते हैं। ठीक है, जिब्रेलिन्स एक हार्मोन होता है जो कि ग्रीन कलर देने का काम करता है। अगेन डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशंस ऑफ सूड बाय द कंट्रोल, मतलब कि सूड के इंटरनली जो डिफरेंशिएशन होता है उसको किस चीज़ से कंट्रोल किया जाता है, तो ऑक्सीजन नाम के जो हार्मोन होता है उससे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लांट डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट जिंक सो द इफेक्ट ऑन द बायोसिंथेटिक ऑफ द प्लांट ग्रोथ हार्मोन, दिस इज नोन एज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेनेसेंट इज, दिस इज ए बी ए, ए बी ए हार्मोन एक प्रकार का क्या होता है, सेनेसेंट स्टेज में, मतलब कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है सेनेसेंस के लिए। ठीक है, कौन सा, ए बी ए। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट फॉल ऑफ द, हाँ यहाँ पे अब ना फॉल मतलब कि फ्रूट के फॉल के लिए क्या प्रिवेंशन यहाँ पे है, तो एन डबल ए, ये जो होता है ना ऑक्सीजन से ही रिलेटेड है, और यही जो होता है वो प्रिवेंट करता है फ्रूट के फॉल को। ठीक है, अगेन दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रेक बर्ड डोरमेंसी ऑफ द पोटैटो ट्यूबर, तो इसका राइट आंसर जिब्रेलिन्स आ जाएगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे पोटैटो ट्यूबर की बात की जाती है और डोरमेंसी वहाँ पे ब्रेक होता है, मतलब कि ब्रेक द बर्ड डोरमेंसी, तो दिस इज द नोन है जिब्रेलिन एसिड। ठीक है, जिब्रेलिक एक हार्मोन होता है जिससे जिब्रेलिक एसिड बनते हैं। अगेन विच रीजन्स यू विल बी द एलाइन असाइन फॉर द कोकोनट मिल्क एंड यूज टू द टिश्यू कल्चर, दिस इज नोन है साइटोकाइनिन। ठीक है, सो साइटोकाइनिन इज द राइट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द लीव्स ऑफ मोमोसपोडिया ड्यू टू द सिग्मोइड मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे दिस इज मूवमेंट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि पूछा गया था 1998 में, इन विच कॉम्बिनेशंस द गैसेस सुटेबल फॉर द फ्रूट रैपनिंग, तो फ्रूट रैपनिंग के लिए यहाँ पे कार्बन की जो संख्या होनी चाहिए वो 20% और C2H2 जो है वो 80% होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है और ये काफ़ी पुराने क्वेश्चन है। ठीक है, हम आते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, फोटोपैरेडिज्म एंड वर्नलाइजेशन और सेनेसेंट, इस पर कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि नीट 2021 में रिसेंटली पूछा गया था, द साइट ऑफ प्रिपरेशन मतलब परसेंसेप्स ऑफ लाइट इज प्लांट एंड ड्यूरिंग द फोटोपैरेडिज्म इज, तो मतलब कि यहाँ पे एक साइट के बारे में आपको बताना है जो कि परसेप्शंस के लिए, लाइट के परसेप्शंस के लिए यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग
फोटोपायरेटिज्म नाम का जो प्रोसेस होता है उसमें। तो इसमें लीफ के ऊपर में क्या किया गया था, परसेप्शंस देखा गया था, मतलब वो जो साइट था वो लीफ था, ठीक है। तो लीफ इज़ द राइट आंसर अगेन। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइट ऑफ परसेप्शंस ऑफ फोटोपायरेट नेसेसरी फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन द प्लांट। तो ये नीट 2019 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर लीव्स हो जाएगा। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइटोक्रोम क्या होता है। तो फाइटोक्रोम जो होता है ये एक प्रकार का क्रोमैटो प्रोटीन होता है, ठीक है, क्रोमो प्रोटीन। तो ये नीट 2016 में पूछा गया था, क्रोमो प्रोटीन को फाइटोक्रोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इफ़ यू नॉर्मल सैडलिंग ऑफ टोमेटो वेयर कैप्ट इन द डार्क रूम एंड आफ्टर द फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों के बाद फिर फाउंड करेंगे, क्या देखेंगे वहाँ पे, बिकम अ वाइट कलर लाइक एल्वोनोज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स यूज इन द डिस्क्राइब वर्ड। तो यहाँ पे ना इसका राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, एट्यूलेटेड हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन द फ्लावर्स ऑफ प्लांट वॉज फर्स्ट शो इन। तो यहाँ पे टोबैको जो होता है वही यहाँ पे शो करने लगता है, क्योंकि इम्पोर्टेंस डे ऑफ द लेंथ के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स के इंटरनली फर्स्ट टाइम शो हुआ था, तो टोबैको ही शो हुआ था, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, जैसे कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्वेश्चन कहा जा रहा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाई द पी आर फॉर्म द फाइटोक्रोम, ठीक है। तो फाइटोक्रोम में उसके 680 नैनोमीटर पे वो क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है किसी भी पी आर को, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और ये फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, विच वन इज़ अ लॉन्ग डे प्लांट। तो इनमें से कौन लॉन्ग डे प्लांट है, जैसे कि यहाँ पे है ग्लाइसिन मैक्स, ये तो शॉर्ट डे होता है, टोबैको बिल्कुल शॉर्ट डे है, मैराबिलिस जापालिस ये भी है, लेकिन इसके कंपेयर में जैसे कि स्पिनेच जो होता है ये एक लॉन्ग डे प्लांट है, और इसके ये भी लॉन्ग डे होता है, लेकिन इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा शॉर्टली हो गया, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीनेशियस पिगमेंट कैन कंट्रोल एक्टिविटीज़ कंसर्न विद द लाइट, दिस इज़ नोन एज फाइटोक्रोम, ठीक है। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द मेथड डैट रेंडर्स ऑफ द सीड कोट एंड परमिएबिलिटी ऑफ वाटर डैट एम्ब्रियो एक्सप्लोजन एंड नॉट फिजिकली रिफर्ड, दिस इज़ नोन एज स्कार्फिकेशन, ठीक है, स्कार्फिकेशन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द रिस्पॉन्स टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू एनवायरमेंट रैदर इन द लाइट एंड डार्कनेस, ये सब जो ऑप्शंस, अब जो यहाँ पे नीचे के जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं सबके सब काफ़ी ज़्यादा पुराने क्वेश्चन हैं, जो कि आपके नीट एग्जाम में उतने इंपॉर्टेंट शो नहीं करते, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, ठीक है, अगले चैप्टर्स के साथ, ठीक है, बाय।